देखिए दोस्तों, गाड़ी ने पूरा पार्टी कर दिया। सके तो शाम को जाएगा काम पे। बहुत रात हो गया, देखिए रोड खाली हो रहा है, देखते कितना टाइम लगता है। तो ये वाला थोड़ा लाल अभी भी है। मॉर्निंग दोस्तों, अभी ना सुबह के 10 बज रहे और मैं जाऊंगा आज मेरा ई रिक्शा बनाने के लिए। वो ना उसका एक पाइप टूट गया तो उसको पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चला नहीं पाएगा क्योंकि आगे से उसका बॉडी जो है ना बैठ गया, डाउन हो गया। तो अभी जाऊंगा मैं, कल उससे बात करके आया था तो आज जाके बनाना पड़ेगा। तो पहले जाके गाड़ी बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पाइप है ना बीच में से टूट गया, इसको बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ टूट गया, फिर वो साइड यहाँ टूट गया, फिर इधर टूट गया, ये सब बनाना पड़ेगा। अभी लेके जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी ने पूरा पार्टी कर दिया। यहाँ का चेसिस जो है ना फट गया, इसको बनाएगा, इसको बनाएगा, और इधर भी फटा है, इसको भी बनाएगा। आज पूरा दिन चला जाएगा इसको बनाने में, देखते कितना टाइम लगता है। दोस्तों अभी ना गाड़ी बना के आया, बहुत टाइम लग गया गाड़ी बनाने में। गाड़ी तो सुबह धोया भी नहीं क्योंकि गंदा हो जाएगा। वो पूरा पलटी करके गाड़ी बनाया था, मुझे मालूम था पलटी करेगा, इसलिए अभी पानी से साफ करेगा इसको अच्छे से। नीचे जहाँ पे टूटा हुआ था ना वहाँ बना के लाया, दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ टूटा हुआ था ना, पूरा झलाई उलाई कर दिया। देखिए अच्छे से पत्ती लगा दिया बराबर, गाड़ी बन गया मेरा। दोस्तों अभी अभी गाड़ी को धो दिया अच्छे से, पानी से साफ कर दिया। अभी हो सके तो शाम को जाएगा काम पे। अभी ना जाके पहले नहा लेता हूँ क्योंकि पूरा दिन चला गया उसमें, और मेरा आँख में ना जो वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग का लाइट शायद लग गया, पूरा आँख जल रहा है। काम करने से कर पाऊँगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आँख का ड्रॉप देना पड़ेगा। गाड़ी बनाने के बाद ना मैं 6 बजे निकला था, तो कुछ देर गाड़ी चलाया। अभी यहाँ बैठा है तो आंटी पिया जी तो बना लिया, लेकिन वो आलू का जो पकौड़ा है वो तलेगा, उसके बाद लेके जाएगा सीधा घर। आंटी का यहाँ से पिया जी ले लिया, अभी जाएगा सीधा घर। अभी रात हो गया बहुत। ये हथियाडांगा बाजार है। आज मैं इतना रात को 9 बज गया आया हूँ हथियाडांगा बाजार सवारी लेके। हथियाडांगा बाजार के बीच में से जा रहा हूँ, यहाँ सवारी लेके आया था इतना रात को। दिन भर गाड़ी नहीं चला पाया ना, गाड़ी बनाने में पूरा दिन गुजर गया। अभी जा रहा हूँ घर की ओर क्योंकि वो बाज़ार से तो निकल के आ गया, और आज ना गाड़ी बनाते वक्त ना मेरा आँखों में जो वेल्डिंग का लाइट है ना वो लग गया, बहुत जलन हो रहा है आँखों में, आँख रेड भी हो गया होगा, तो सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आज मैं जाके आँखों का दवाई देगा क्योंकि बहुत दिन पहले मेरा आँखों में प्रॉब्लम हुआ था बोल के ना डॉक्टर ने एक दवाई दिया था, वो दोपहर को थोड़ा लगाया था, तो वो लगाने के बाद थोड़ा आराम लगा था, मुझे मिला था आराम, तो अभी फिर जाके ना वो दवाई लगाएगा। बहुत रात हो गया, देखिए रोड खाली हो रहा है, रात मतलब बहुत रात हो गया, अभी 10:20 हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर। आज ना क्या हुआ दोस्तों, जो गाड़ी जब ले गया ना जहाँ पे वो वेल्डिंग करता है, क्योंकि वो मशीन तो मेरे पास है नहीं, मशीन होता तो मैं खुद ही बना लेता, तो मशीन तो मेरे पास था नहीं, तो वहाँ ले जाना पड़ा। तो वहाँ ले जाके बैटरी वगैरह सब खोला मैं खुद, उसको निकाला क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का काम थोड़ा बहुत आता है, इसलिए उसको खोल के निकाला। और जो वेल्डिंग करने वाला मिस्त्री है, उसको बनाने वाला जो उसको अच्छा से वेल्डिंग कर सके, तो उस मिस्त्री को खोल के दिया पूरा। तो वो मिस्त्री बाद में वो गाड़ी को बनाया अच्छा से, तो बनाने के बाद फिर वो बैटरी को सेटिंग करने वाला। एक बैटरी का वेट करीब करीब 40 किलो के करीब है, 35 से 40 किलो है एक बैटरी का वेट, तो अकेले उसको उठाना पड़ा, लगाने पड़ा।
तो उसमें ना मेरा जो मेहनत है कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं थक गया था। तो वहाँ रेस्ट किया, उसके बाद घर में आया। घर में आने के बाद रेस्ट किया, नहा वहा के रेस्ट किया। तो उसके बाद बहुत टाइम बाद मैं सोया रहा, क्योंकि उस टाइम ना मेरा आँखों में लाइट भी लग गया था। ये देखिए, आँख तो अभी थोड़ा सफ़ेद है। आँख के घर में आने के बाद दवाई दिया, जो आँखों का ड्रॉप है वो दिया। ये वाला आँख तो थोड़ा लाल अभी भी है, तो वो दिया। देने के बाद क्या हुआ, थोड़ा जलन अभी थोड़ा कम लग रहा है। बहुत जलन हो रहा था, बहुत लग रहा था। मेरा आँखों से ना गर्म पानी निकल रहा है, इस तरह का जलन हो रहा था। सहन नहीं कर पा रहा था मैं। गाड़ी तो मैं चला रहा था, अभी भी जलन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम है अभी। तो सेटिंग उटिंग करने के बाद, क्योंकि दिन तो मेरा बेकार हो गया था, गाड़ी बनाने का टाइम तो मैं बेकार मतलब गाड़ी बनाने का काम में आया, ऐसे दिन भर तो काम नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं रात को निकला। रात को निकला मतलब 6:30 बजे के बाद निकला मैं, 7 बजे के करीब। तो इस वजह से ना अभी बहुत रात को घर आया। तो गाड़ी तो रख दिया, अभी सुबह फिर जाएगा काम पे। तो रात को आने से क्या होता है ना, सुबह निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, गाड़ी तो मेरा जो इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट था, यानी कि डिफेक्ट था, वो तो बन गया। अभी थोड़ा कुछ है, थोड़ा जगह पे रॉड उड टूटा हुआ है। वो आदमी इतना कचर कचर कर रहा था, तो मुझे भी मन नहीं लगा और ज़्यादा बनाएगा ही नहीं उससे। तो जो मेन मेरा मेन काम था वो करके मैं चला आया। तो थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, दूसरा जगह से बनाएगा उसको, क्योंकि वो जहाँ पे मैं बनाया ना, वो एक्चुअली लेथ का मिस्त्री है। वो बनाता है, काम नहीं है बोल के ये भी काम कर लेता है। अब हर एक जगह पे काम का थोड़ा प्रॉब्लम ही है। अब मान लीजिए वो लेथ मिस्त्री है, लेथ का जो पार्ट्स वगैरह जो भी है, लेथ का जो काम है वो ठीक से नहीं आता है बोल के मेरा गाड़ी को बना दिया। अगर ठीक से वो वाला काम आता तो मेरा गाड़ी तो पकड़ता ही नहीं हो। जो भी हो, मेरा काम तो बन गया। तो ठीक है दोस्तों, आज तो यही तक था। मिलते हैं कल, हो सके कल आप लोगों को कुछ नया दिखा सकूं, क्योंकि मेरा गाड़ी का जो मेजर प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। अभी तो गाड़ी में और एक प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है, वो बैटरी का। देखते हैं कल अगर हो सके तो बैटरी भी एक ठो पुराना चेंज करेगा, क्योंकि 3 बैटरी मेरा ठीक ही है, तो एक ख़राब हो गया, तो उसको कोशिश करेगा चेंज करने के लिए।